इस वक्त क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड में। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में एक शानदार जीत दर्ज करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बार फिर से आईपीएल में ये मैच जीतकर अपने लिए एक जीत की दोबारा शुरुआत की है। पहला मुकाबला लखनऊ ने अपने होम ग्राउंड पर ही जीता था, दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए थे, जो मुकाबला चेन्नई में हुआ था। लेकिन आज अपने होम ग्राउंड पर एक बार फिर से खेलते हुए 5 विकेट से उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच में हराया है। यानी कि 3 मुकाबले खेल चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 1 हारा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज 122 का लक्ष्य दिया था होम टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लखनऊ ने उसे आसानी से जीता और यह शानदार जीत अपने नाम की। 5 विकेट से हराया सनराइजर्स को और अब केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को इस सीजन की दूसरी जीत मिल गई है। हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर अब आगे का कैंपेन चलाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। वहीं हैदराबाद की टीम के लिए आज का दिन भी अच्छा नहीं रहा और पिछली बार भी उन्होंने हार का ही सामना किया था। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और मयूर शुक्ला, होम टीम की जीत अपने ही होम ग्राउंड पर और होम फैंस की भरमार है ही वहां पर, जरा बात कीजिए उनसे। मुझे पूरा यकीन है सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज के उनके प्रदर्शन को लेकर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है कि सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और लखनऊ का कबाब हैदराबाद की बिरयानी पर भारी पड़ गया है। लखनऊ के नवाबों ने निजामों को यहाँ पे परास्त किया और देखिए स्टेडियम से तमाम जो चेहरे हैं, ये देखिए किस तरीके से सभी में खुशी है कि मैच देखकर निकले हैं और उम्मीद थी कि यार लखनऊ जीतेगी जो, और जो है वही हुआ। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आज लखनऊ जीता है, हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं बहुत। राहुल की फॉर्म जो दिक्कत थी, आज राहुल ने रन बनाए, बहुत अच्छा, राहुल ने मैच को जिताया है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, राहुल आपकी बार फिर से 100 मारेगा, लेकिन उम्मीद थी कि रन बहुत बनेंगे, रन थोड़े कम, फाइनली लखनऊ लेके रन थोड़े कम बनेगा। आपको क्या कह रहे हैं, कौन फेवरेट प्लेयर है आपका? राहुल। राहुल ने तो रन बना दिया आज, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रहा मैच, एक तरफा मैच रहा। अच्छा, दूसरे मैच में तो चेन्नई से हार गए थे, तो उम्मीद थी बिल्कुल जीतना था, होम ग्राउंड था, लेकिन क्या कहता है एमआई मुंबई इंडियंस की भी काफी बाकी मैचेज हैं। आपका क्या कहना है, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। कैसा लग रहा है? बड़ा बहुत खुश है आप, जी, जी, जी। राहुल का बल्ला चल गया, जी, 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 चले चेयर कर दीजिए सब लोग एक बार। लखनऊ। अगला मैच देखने भी पहुंच रहे फिर आप? मयूर बहुत शुक्रिया तमाम फैंस से बात करने के लिए, और जाहिर तौर पर अब लखनऊ के जो फैंस हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं आने वाले मुकाबलों को लेकर भी, लेकिन आज के मैच का जो लेखा जोखा रहा उसमें कौन रहा स्टार परफॉर्मर, आइए उस स्टार परफॉर्मर के बारे में आपको बताते हैं। देखिए आज के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनके कप्तान केएल राहुल ने अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन स्टार परफॉर्मर्स की लिस्ट जरा आप देख लीजिए। गेंदबाजों का गदर पहले देखने को मिला क्योंकि कृणाल पांड्या ने शुरुआत की, उन्होंने लिए 3 विकेट, उसके अलावा अमित मिश्रा ने भी 2 विकेट चटकाए और रवि बिश्नोई ने 1 विकेट लिया। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो गेंदबाज थे वो सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी रहे और सिर्फ 121 रन ही उन्हें बनाने दिए, जो कि काफी कम टोटल माना जा रहा था इस मुकाबले में। और अमूमन इस स्टेडियम में जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसका जीतने का रिकॉर्ड अच्छा है, शायद इसी के मद्देनजर सनराइजर्स ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन वो फैसला उनके हक में नहीं गया। कृणाल पांड्या की अगर घातक गेंदबाजी की हम बात करें तो उन्होंने जो 4 ओवर डाले उसमें सिर्फ 18 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, बेहद इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट रहा उनका 4.50 का। तो कृणाल आज जबरदस्त फॉर्म में नजर आए, लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने पहले फैसला लिया था बल्लेबाजी करने का, उनका बैटिंग स्कोर कार्ड कैसा दिखा, बैटिंग कार्ड पर नजर डालिए सनराइजर्स की, जिन्होंने सिर्फ 121 रन बनाए, 8 विकेट गवाए। इसमें जो बड़ा योगदान था वो रहा राहुल त्रिपाठी का, जिन्होंने 41 गेंदों पर 35 रन बनाए। उनके अलावा जो ओपनर है अनमोल प्रीत सिंह, उन्होंने 26 गेंदों पर 31 रन बनाए, और अब्दुल सबक
21 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन बाकी किसी बैट्समैन का अच्छा परफॉर्मेंस आज नहीं रहा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। तो आज के मैच में देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए ये शानदार जीत दर्ज की है। अब कल क्या होने वाला है आईपीएल 2023 में, कल सुपर सैटरडे है और कल एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और ये मुकाबला है गुवाहाटी के बारसपारा स्टेडियम में, जो कि मुकाबला होगा दोपहर 3:30 बजे। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला रहेगा। लेकिन उसके अलावा द बिग मैच ऑफ द नाइट ये होगा 7:30 बजे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स सामना करेगी मुंबई इंडियंस का वानखेड़े स्टेडियम में। और इसकी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि जहां जहां धोनी जाते हैं उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, जबरदस्त वानखेड़े में भी है। वहां एक मेमोरियल बनाया गया है बाकायदा उसी जगह पर जहां साल 2011 में धोनी ने छक्का मारकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। तो कल का मैच रोहित वर्सेज महेंद्र सिंह धोनी बेहद दिलचस्प होने वाला है, और कल दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं आईपीएल। Zini.